हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, करीबन 1500 पॉजिटिव मरीज आज की तारीख में भी हैं। एक चिंता का विषय, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और खासतौर पर एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में 25-25-30 मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, 3-4 जगह पर ऐसा हुआ है, जहांगीरपुरी, तुगलकाबाद वगैरह में, जहां पर एक ही जगह पर काफ़ी सारे केस मिले हैं। अभी तक दिल्ली के अंदर 2156 टोटल केसेज हैं, जिसमें 75 केस कल नए जुड़े हैं। मैं आपको ये बताया था, 611 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी 28% लोग इसमें से बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। तो अभी जो एक्टिव केस हैं 1498 हैं, लगभग 70% बचे हुए हैं। और जो पेशेंट अभी बीमार हैं उनमें से 27 ICU में और 5 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो मैं देखिए, चिंता का विषय जरूर है कि इसको फैलने से रोकना है, हर तरीके से रोकना है, और इसी वजह से लॉकडाउन भी किया गया है। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम घर से बाहर निकलें, बहुत ही ज़रूरी है तब निकलें, वरना ना निकलें। जितना एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे उतने ही फैलने के चांसेस होंगे। क्या चिंता का विषय ये भी है कि हाल फिलहाल में जो मामले सामने आने शुरू हुए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा हैं, यानी कि उनमें लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। वो कैरियर का काम कर सकते हैं, भले ही वो खुद जो है उस तरह से उनमें लक्षण ना दिखें, तो ये एक चिंता का विषय निश्चित तौर पर। ये चिंता का विषय भी है और ये संतोष का विषय भी, दोनों चीज़ें हैं। चिंता का विषय है कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक लोग घूमेंगे तो बहुत फैला देंगे। संतोष का विषय ये, अगर एसिम्प्टोमेटिक है और लॉकडाउन का ठीक से पालन करें, घर में रहेंगे तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। भाई मैक्सिमम 14 दिन में ठीक हो ही जाते हैं ना। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो वो तो इम्यूनिटी बन जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स कि उसकी बॉडी फाइट बैक कर गई है, उसको उसकी असर नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। चिंता ये भी है, अगर वो पब्लिक में निकलेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे तो अपने अलावा 10 लोगों को फैला सकते हैं। इसके साथ में एक खबर और जो सामने आई है जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय, इस वजह से मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज़ादपुर मंडी देश की सबसे बड़ी मंडी, और वहां पर एक व्यापारी की मौत हो गई है। जो वजह सामने आई है वो कोरोना संक्रमित, और उसके जो 7 के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो टेस्ट करवाने के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन हमारा टेस्ट नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि आज़ादपुर मंडी, जहां पर रोजाना हजारों लाखों लोग आ रहे थे, उसके बाद में आप लोगों ने, सरकार ने कदम भी उठाए, लेकिन वहां एक व्यापारी की मौत परेशान करता है। देखिए, रैपिड टेस्ट कल केंद्र सरकार ने 2 दिन के लिए बंद कर दिए, कल या परसों जैसे स्टार्ट होंगे हम बड़े स्केल पे वहां पर करेंगे। लेकिन आज़ादपुर मंडी में तो हजारों लाखों लोग रोजाना आ रहे थे, हालांकि अभी तो सरकार ने कदम भी उठा लिए हैं, लेकिन उससे पहले तो नहीं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे नियम का पालन किया जा रहा है। 24 घंटे मंडी इसीलिए खोली गई है कि लोग डिस्टेंस पे रहें, और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो इन चीज़ों को सबको लागू किया जाएगा। और इस सबके बीच में रैपिड टेस्ट की जो आपने जिक्र किया, राजस्थान सरकार ने टेस्ट करने से मना कर दिया था, अब जो ICMR भी कह रहा है कि 2 दिनों तक नहीं, तो आप मानते हैं कि उसकी एक्यूरेसी सही नहीं है जैसा कि राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया? देखिएगा, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 2 दिन के लिए बंद किया है, तो केंद्र सरकार बताएगी कि उसकी एक्यूरेसी के बारे में, उसको टेस्ट करके बताएंगे। लेकिन आप लोगों के पास भी, आप लोगों ने अपनी भी रिसर्च करवाई है, क्या वाकई में जो है जो एक्यूरेसी पर सवाल उठे हैं वो सही हैं, या आप लोगों की जो रिपोर्ट आई है वो कुछ और कह रही है? नहीं, रिसर्च हमने कुछ नहीं कराई है। रिसर्च तो ये है कि इसके ऊपर रिसर्च जो ऑलरेडी है, जो बताया गया है ICMR के द्वारा भी बताया गया कि जो रैपिड टेस्ट है, शुरू के 1 हफ्ते में इसके रिजल्ट बहुत ही कम आते हैं, एंटीबॉडीज 1 हफ्ते बाद बननी स्टार्ट होती है, तब इसके रिजल्ट ठीक आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रैपिड टेस्ट में शुरुआत में रिजल्ट उसके जो है नहीं सही आते हैं, और जब बाद में एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो उसके एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है। आप ये जी ऐसा ही लगता है। इसके साथ में एक आधा सवाल और है, बस ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली सरकार ने भी कुछ टेस्ट करवाए थे, उनकी कोई रिपोर्ट आई है, उसका कोई आंकड़ा आपके पास में है या शेयर करना चाहेंगे? नहीं, जो रैपिड टेस्ट हमने परसों कराए थे सारे नेगेटिव आए थे। बस एक आखिरी सवाल इस सबके बीच में है कि CPCB ने कहा है कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं या जो संक्रमित हैं या जो जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए, लाल और पीले। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जी बिल्कुल किया जा रहा है, लागू इस तरीके से किया जा रहा है, पहले से किया जा। तो फिलहाल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ICMR ने 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक भले ही लगाई है, लेकिन अब जो है उसके जो भी फैसला होगा उसका पालन किया जाएगा। और रही बात जो रैपिड टेस्ट हो रहा है, तो उसकी रिपोर्ट शुरुआत के 7 दिनों में वैसे भी जो है उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं तब वो जो है रिपोर्ट सही मायने में उस पर अमल किया जा सकता है। और अगर जो है वो पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट, इसका मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई हैं, और वो एक अच्छा संकेत है। तो अब फिलहाल ICMR के फैसले का इंतजार, लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जो ये रैपिड टेस्ट करवाए हैं 1 दिन पहले, उसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।